बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 का नया एपिसोड आ चुका है और ये एपिसोड भी मुझे उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा। वैसे तो पिछले कुछ एपिसोड्स में इतना मसाला हो चुका है कि अब जो एक्सपेक्टेशंस है ना भैया, वो सिर्फ ऊपर बढ़ती जा रही हैं। तो चलिए इस एपिसोड को एनालाइज करते हैं और जानते हैं कि आखिर इन दो डिफरेंट ग्रुप्स में आखिर पक क्या रहा है। नमस्ते एंड हेलो एवरीवन, इट्स मी प्रशा एंड यू आर वॉचिंग अनकट। तो भैया, इस एपिसोड में लवकेश को फिर से बिग बॉस की टीम ने एज अ बाहर वाला इलेक्ट कर लिया है और ये काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड मूव था, क्योंकि जिस तरह से लवकेश को दंड दिया गया और उन्हें इतनी ज़्यादा पनिशमेंट सहनी पड़ी, उसके बाद एक बार उन्हें फिर चांस मिला है पूरी बाजी पलटने का और वो एक बार फिर बाहर वाला बनकर क्या कारनामे मचाते हैं, ये देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई एम जस्ट ग्लैड कि लवकेश ने इस पूरी सिचुएशन को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली हैंडल किया, क्योंकि विशाल एक बार फिर उनके पीछे पड़ गए थे कि कहीं तू ही फिर से बाहर वाला तो नहीं बन गया है। लेकिन उन्होंने बहुत चालाकी से पूरा ब्लेम उल्टा विशाल पे डाल दिया और जिस तरह से वो शिवानी को गाइड कर रहे थे कि जा वॉशरूम में देख कर आ कौन बाहर वाला है, वो देखना भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, जिससे लवकेश कटारिया के बारे में ये बात तो हमें पता चल गई है कि वो एक बहुत ही तगड़े प्लेयर हैं। साथ ही इस एपिसोड में नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी की गई, जहां पे एक टास्क दिया गया था घर वालों को, जहां उन्हें उन लोगों के गले में एक मेडल पहनाना था जिन्हें वो डिजर्विंग नहीं समझते शो में रहने के, और उन्हें गेट आउट का मेडल पहना के उन्हें बाहर भेजना चाहते हैं। अब इस टास्क से हमें एक बात तो समझ आ गई है कि ये बिग बॉस का घर दो ग्रुप्स में बढ़ चुका है। एक ग्रुप है अरमान मलिक का, जिसमें है कृतिका, चंद्रिका, रणवीर, साइकेतन एंड सना सुल्तान, और जो दूसरा ग्रुप है वो है लवकेश कटारिया का, जिसमें है शिवानी, सना मकबूल और विशाल, और कभी कभी नेजी भी इनके आसपास भटक लेते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो सना मकबूल को पसंद करते हैं, इसलिए वो उनके साथ बैठने की कोशिश करते हैं। अब इन दोनों टीम्स में से कौन ज़्यादा स्ट्रांग है वो तो आप जानते ही हैं। अरमान मलिक के पास क्वान्टिटी भले ही ज़्यादा हो, लेकिन लवकेश के पास कुछ ऐसे टीम मेंबर्स हैं जिनकी इंडिविजुअलिटी फाइनली निखर के आ रही है। इस वाले एपिसोड में चंद्रिका, अरमान मलिक, विशाल और लवकेश एलिमिनेट होने के लिए नॉमिनेटेड हैं और ये काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी होने वाला है कि आखिर इन घर वालों में से अब फाइनली बाहर कौन जाएगा, क्योंकि ये सभी कंटेस्टेंट्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर आप मेरी राय जानना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि वड़ा पाव गर्ल को हमने बहुत टाइम दे दिया है खुलने का, नए रिश्ते बनाने का, अपने ओपिनियंस आगे रखने का, लेकिन उनके पास कुछ मुद्दे अच्छे हैं ही नहीं। और मैं ये नहीं कहती कि लड़ाई करके ही आप फुटेज ले सकते हो, काफ़ी सारी और भी चीज़ें होती हैं, किसी को एंटरटेन करना, किसी से अच्छी बातें करना या नए नए टास्क या कुछ भी जुगलबंदी करना, लेकिन वड़ा पाव गर्ल AKA चंद्रिका दीक्षित गेरा अभी तक अपना वो साइड नहीं दिखा पाई हैं, ना वो किसी को एंटरटेन करती हैं, बस उन्हें एक चीज़ आती है और वो है लोगों पे सवाल उठाना और बेफिजूल के रीजंस देना। इस वाले एपिसोड में भी चंद्रिका दीक्षित गेरा ने विशाल पांडे को ये कह के नॉमिनेट किया कि उनका कैरेक्टर सही नहीं है और उन्होंने जो कृतिका पे रिमार्क दिया था वो सही नहीं है। आई फील घर वाले अभी भी विशाल को टारगेट कर रहे हैं उनका कैरेक्टर असासिनेशन करके, इस बात को बहुत ज़्यादा खींचा जा रहा है, जो अरमान मलिक खुद अग्री कर गए एक क्लिप में, तो उन्होंने ये कहा कि अब हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, मैं नहीं चाहता कि लोगों को बाहर लगे कि हम इस टॉपिक को ज़्यादा स्ट्रेच कर रहे हैं और एक विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। तो अरमान मलिक, आप इस बात में तो एकदम सही हैं, लेकिन आप विक्टिम कार्ड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खेल चुके हैं, अब आपके दर्शकों को कुछ नया देखना है। जिस तरह से लवकेश को लास्ट टाइम पनिशमेंट मिली और जिस तरह से घर वालों ने अपना एक पार्टिसिपेशन दिखाया, उससे ये साफ है कि अब ये लोग टीम्स में ही खेलेंगे। कुछ लोग जो मुझे किसी भी टीम के नहीं लग रहे हैं वो है रणवीर शोरे, क्योंकि वो जब घर के लिए सोचते हैं तो वो पूरे घर के बारे में सोचते हैं और जहां उन्हें गलत लगता है वो अपनी राय ज़रूर देते हैं। साथ ही नेजी, जो बिन पैंदे के लोटे हो चुके हैं, ना वो इधर जा पा रहे हैं ना उधर, क्योंकि दिल उनका वहां है लेकिन दिमाग उनको सना सुल्तान के साथ टीम में बने रहने के लिए प्रेशराइज़ कर रहा है। आपको बिग बॉस OTT सीजन 3 का ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही इस बार कौन इविक्ट होना चाहिए आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए, अगर आपको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा ये अपडेट पसंद आया हो, देन यू नो व्हाट टू डू, मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू अनकट। वेलकम, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। Goes to anyone but Nitish, आज तक एक भी चुनाव नहीं लड़े हैं। बॉलीवुड की कोई एक हीरोइन या दो या तीन हीरोइन जिन पे राघव लगता हो जो सबसे ज्यादा पसंद? विद्या बालन से लेके कैटरीना कैफ तक सारी पसंद। ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा नहीं कह सकते। आई लोगों, मजा आ रहा है। शरीर को और दिमाग को बहुत कष्ट मिलता है।
मतलब मेरी देखते ही हंसी छूट गई इसमें यार। कोई लड़के को फंसाना हो या पटाना हो तो लड़कियां कौन सी टेक्निक्स यूज करती है? यहाँ बोलेंगे वहाँ बोलेंगे सॉरी आई डिड नॉट मीन टू जोक। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए बीजेपी ने क्या किया? लुट पुट गया। इसी बात पे मुझे ट्रोल करेंगे सब। लुक एंड फील इस चीज की जो है ना वो इतनी बढ़िया है, मतलब ओहो। चलो मेरी वजह से आप इतने खुश हो तो अच्छा लग रहा है। भारत में इस समय अगर कुछ सबसे ज्यादा चर्चा में है तो वो है, अगर आप AI यूज करना नहीं सीखोगे तो इस जालिम दुनिया की रेस में पीछे तो रह जाओगे दोस्त। जिसने भी ये झूठी अफवाह फैलाई थी ना, भगवान कसम हम उनसे कहें कि सर क्यों परेशान है, चांद फेमस है अपने धब्बा के लिए। आंखें खोलो और सपना देखो। तनी ठुमका लगा के दिखाओ। जय पंकज, बिग फैन, कहाँ चलोगे तुम मेरे साथ? जो पड़ोस में लड़ाई हो गई उसे ठीक करना है। कैसे लगा आपको? दिल की धड़कने भी तेज थी और माहौल भी अलग था। अब आते हैं अपने आखिरी सवाल पर। आपको छुट्टी नहीं मिली क्या? बहुत इमोशनल पल है। Uncut. 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 Uncut.